Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री का ब्लैक डे, भारत की हिस्ट्री का ब्लैक डे, साउथ एशिया की हिस्ट्री का ब्लैक डे, अक्टूबर 22nd, जब पाकिस्तान के ट्राइबल्स ने पाकिस्तान आर्मी की मदद से जम्मू कश्मीर पर अटैक किया और तब से उस रीजन में कैंसर की तरह ये मसला पल रहा है। वो तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पिछले बरस आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोगेट करके पीस की एक नई राह निकाली। मेरे साथ बहुत ही डायनामिक हस्ती इस वक्त ह्यूस्टन से जुड़ी हुई हैं, मोहतरमा सुनंदा वशिष्ठ जी, मैं उनको वेलकम कहता हूं और हम जानना चाहते हैं, आप ख़ुद भी पंडित बरादरी से हैं, वेलकम, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, आपने हमें वक्त दिया। और कश्मीर का जो दुख है, जो अभी तक हमारी रगों में, हमारे नस नस में फैला हुआ है, आप उस दुख को एक तरह से कैरी भी कर रही हैं और एक जर्नलिस्ट होने के नाते दुनिया को बताती भी हैं, तो क्या आपको इस बरस थोड़ी डिफरेंट बात नहीं लग रही कि हम भारतीयों में इतना शऊर हुआ है कि हम इस बात को अब दुनिया के सामने लाना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो शुक्रिया ताहिर साहब आपका करूंगी और आपको मुबारकबाद भी दूंगी और एक तरह से आपकी हिम्मत की दाद दूंगी कि आज आपने इस दिन के बारे में, अक्टूबर 22 की इस दिन को छेड़ा और इसको ब्लैक डे कहने की हिम्मत की। मैं आपको बता दूं कि सारी इस मसले कश्मीर की जड़ ही यही दिन है, यहीं से सारी शुरुआत हुई है। लेकिन कभी आप ऐसे नहीं देखते कि 1947 जो वॉर हुआ है उसको बिल्कुल भी ट्राइबल इन्वेजन, ट्राइबल इन्फिल्ट्रेशन ना कहा जाए, उसको बिल्कुल भी ट्राइबल इन्वेजन ना कहा जाए, उसको बिल्कुल भी, जैसे हम लोग हमारी जबान में उसको कबाली रेड कहते हैं, वो ना कहा जाए, इसको बिल्कुल फर्स्ट वॉर ऑफ कश्मीर कहा जाए, फर्स्ट वॉर ऑफ कश्मीर, फर्स्ट वॉर फॉर कश्मीर। मैंने कई बार ऐसा कहा है कि ये दिन, तो मैं आपको, आपका शुक्रिया अदा करती हूं कि आपने इस दिन का ये किया, क्योंकि अगर हम इस दिन को, आज 73 years ago, what happened today, अगर आज हम उसके बात ना करें तो हम कश्मीर के मसले को कभी नहीं समझ पाएंगे। देखिए ताहिर साहब, आपका और मेरा काम है, हम एनालिस्ट हैं, हम लोग किसी भी सिचुएशन को हर निगाह से देखते हैं, तो हमारे लिए तारीख तो चलता हुआ पहिया है, एक जगह रुकता नहीं है, हम लोग तारीख को हर पहलू से देखते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं, जब भी आपने कभी भी कश्मीर के मामले में बात की होगी कहीं भी, सबसे पहले आपका लोग कहेंगे कि अरे यूएन रेजोल्यूशन नहीं हुआ, प्लेबिसाइट नहीं हुआ, तब से ये प्रॉब्लम चल रहा है। और ये सो कॉल्ड न्यूट्रल लोग भी हैं, सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग भी यही कहते हैं। इंटरनेशनल नैरेटिव में कभी भी आपको 1947 वॉर का जिक्र ही नहीं मिलेगा, जो आज के दिन 73 इयर्स अगो स्टार्टेड, द इन्वेजन हैपेंड टुडे, तो ये जिक्र आपको कभी भी नहीं मिलेगा कहीं पर भी। और पाकिस्तान में तो खैर उन्होंने तारीख बदल ही दी है सारी, तो उनका तो क्या गिला ही अब करें, क्योंकि वो तो, वो क्या कहते हैं ना, जब जिसमें सारा जलता हो तो दामन दिल को बचाएं क्या, वहां का तो खैर गिला ही नहीं है, वहां का तो उनका तो हाल ही अलग है। पर इंडिया में भी मैंने कई बार देखा है, हम लोग जब 1965 की वॉर की बात करते हैं, हमें पढ़ाते हैं, 1971 वॉर के बारे में पढ़ाते हैं, कारगिल वॉर के बारे में, हम काफी, हमारी नेशनल कॉन्शियसनेस में है वो बात, लेकिन 1947 कहीं पर भी नहीं है। जबकि इंडिया के सबसे बड़े मिलिट्री हीरोज, ब्रिगेडियर उस्मान, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, ब्रिगेडियर मेजर सोमनाथ शर्मा, ये इंडिया के सबसे बड़े हीरोज, मिलिट्री हीरोज में इनका नाम है, ये वो लोग हैं जिन्होंने कश्मीर को बचाया 1947 में। इन सब को इंडिया के सबसे बड़े गैलेंट्री अवार्ड 1947 में ही उनको महावीर चक्र और परमवीर चक्र से नवाजा गया। फिर भी कहीं
ये वॉर पता नहीं कहाँ चली गई, कहाँ ये एक ट्राइबल इन्वेजन करके उसका विकिपीडिया से लेके किताबों तक हर जगह, सिर्फ बशर्ते सिर्फ मिलिट्री हिस्टोरियंस जो उसको एक मिलिट्री हिस्ट्री की तरह से इसकी बात करते हैं, बट एज एन एनालिस्ट, एज अ हिस्टोरियन, एज अ पोलिटिकल एनालिस्ट, इसकी बात कभी, इसकी एनालिसिस कभी होती नहीं है। पर क्या होता है तारे साहब, बड़ी अजीब सी बात है कि जिस चीज को हम लोग दबाते हैं वो चीज लोकगीतों में और लोक भाषाओं में, लोक आम जबान में वो शामिल हो जाती है, क्योंकि आप इस चीज को, जिस चीज को लोगों ने सहा है वो हमेशा उनकी जबान में आ जाती है। तो मैं आपको बताऊं कि मैं कश्मीर की हूँ, कश्मीरी बोलती हूँ, मेरी मदर टंग कश्मीरी है, तो हमारी जबान में कबाली रेड का बहुत बहुत बार जिक्र होता है। हम लोग जब भी किसी के साथ बहुत ज्यादा जुल्म होता है तो हम लोग कहते हैं कि बहुत जुल्म हुआ तुम्हारे साथ, पर कबाली रेड तो नहीं हुआ ना। तो ऐसी बातें हमारे गानों में, हमारी बातों में, हमारी जहन में, इवन दो हिस्ट्री हैज नॉट कैप्चर्ड इट, हैज नॉट कैप्चर्ड द जेनोसाइड दैट हैपेंड ऑन दैट डे, पर हमारी बातों में, हमारी लोकगीत में, हमारे ये सब आ चुका है। तो मैं आपको, आई विल टेक यू बैक टू व्हाट हैपेंड ऑन दैट डे, और आज का दिन ब्लैक डे क्यों माना जाना चाहिए। पर उससे पहले मैं आपको एक, आपके व्यूअर्स को एक छोटी सी पर्सनल कहानी बताना चाहती हूँ, बिकॉज इफ दे नो दैट तो उनको पता चलेगा कि कश्मीर के आवाम पे, कश्मीर के लोगों पे, उनकी साइकी पे ये जो वॉर थी इसका क्या असर हुआ है। 1990 में आपको याद होगा जब ये करंट वेव ऑफ टेररिज्म कश्मीर में चला, जिसको आप आज तक भुगत रहे हैं हम लोग। 19 जनवरी आपको भी याद होगा, 19 जनवरी की काली रात, जिस दिन हमें वहां से धकेला गया था। मैं अपने नाना जी के घर में थी उस दिन, मेरी माँ और मैं, मेरे नाना जी। रात को सभी मस्जिदों में से, सब मस्जिदों में से आवाज आई कि जो काफिर है इनको निकाल दो यहाँ से, इनके औरतों को रख लो, इनके मर्दों को निकाल दो। ऐसी बातें आई, ये सब अब हिस्ट्री में आ चुका है, मैंने भी कई बार लिखा है। खैर, हमारा प्रोग्राम उसके बारे में नहीं है, पर मुझे याद है मैं छोटी सी थी जब बाहर से इतना शोर हो रहा था, हमें पता नहीं था क्या हो रहा है, हम तो टीवी, घर में टीवी देख रहे थे। मेरी नानी गई, मेरे नाना जी सो रहे थे, मेरी नानी उनको जगाने गई कि जब इतना शोर हुआ तो उनको जगाने गई और उनसे कहा कि उठ जाओ, देखो बाहर लूट होने लग गया है, ऐसे जैसे कहते हैं कि उठ जाओ लूट पड़ गई है बाहर। तो मेरे नाना जी, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं वहां पे खड़ी थी और वो हड़बड़ाहट में उठ गए, कहते हैं क्या हुआ, कबाली आ गए क्या फिर। ये बात मैं कभी नहीं भूलती हूँ। मैं सोचती हूँ वो उस समय उनकी उम्र 70-71 साल की थी, तो सबसे पहले जब आप सोए हुए इंसान को जगाते हैं तो उसके सबकॉन्शियस में कितना डर होगा कि उसने सबसे पहले, जिस इंसान ने उस रात को वो दब देखा था, ही वॉज अलाइव टू सी दैट, तो उसने वो देखा था तो उसने सबसे पहले ये कहा कि कबालिया फिर से आ गए क्या। तो ये हमारे साथ हुआ है। खैर, ये तो एक पर्सनल एनेक्डोट था, मैं बताना नहीं, चाहती आपने थी बड़ी अहम आपको। स्टोरी बताई, मैं यहाँ बात को जोड़ना चाहूँगा। आपके नाना ने कहा वही 19 जनवरी 1990 को जब एक दूसरी घटना बीती तो उन्होंने क्या किया, कबायली आ गए, और आपने पीछे कहा कि हम कबायली कह के थोड़ा डाइल्यूट कर देते हैं उस जुल्म को, उस पहली जंग को। तो मैं इस दोनों बातों को जोड़ते हुए ये कहना चाहूँगा कि भारत में तो ये कबायली नैरेटिव रहा, खुद पाकिस्तान वाले इसको अटैक ऑन इंडिया के तौर पर लेते रहे। वो बुक जो 1971 में पब्लिश हुई, मेजर जनरल रिटायर्ड अकबर मलिक की, रेडर्स इन कश्मीर, उसमें वो साफ लिखते हैं कि किस तरह ये पाकिस्तान की वॉर थी, किस तरह ये ऑपरेशन हुआ। फिर असगर खान ने अपने कई इंटरव्यूज़ में कहा, वो भी पाकिस्तान आर्मी के रिटायर्ड जनरल थे, और वो कहते थे सारी जंगें हम पाकिस्तान ने लड़ी, सब हम हारे, और वो भी 47 में जंग थी हमारी तरफ से। तो पाकिस्तान की तरफ से ये इनडायरेक्ट कन्फेशन आता रहा, भारत की तरफ से ये बात अभी तक मुझे महसूस होता है, अभी रिसेंटली लग रहा है कि मोदी जी की सरकार में ये शऊर पैदा हो रहा है, लेकिन इससे पहले तो वो बस सिर्फ कबायली कह के डाइल्यूट हो जाता था। पर मैं ये आपको कहूं कि पाकिस्तान के नैरेटिव में भी फ्लॉ था।
पाकिस्तान का नैरेटिव ये था कि इवन दो वो लोग मान भी लेते थे कि हमने इनडायरेक्टली हेल्प किया, पर उन्होंने उस वक्त क्या किया? देखिए, इसके लिए उस वक्त पे जाना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए, अब हमारा ये प्रोग्राम के इस बात पे बात करेंगे तो दिन निकल जाएंगे कि पार्टीशन हुआ क्यों। खैर, उसको छोड़ दीजिए, जी पर इतना तो आप और मैं दोनों ही मानेंगे कि 14 अगस्त 1947 और 15 अगस्त 1947 हिस्ट्री गेव अ चांस टू मोहम्मद अली जिना एंड टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ लाइफ। मान लीजिए, उससे पहले जो हुआ, जो कत्लोगारत, जो लोगों की डेड बॉडीज पे आपने एक सिविलाइजेशन के बिल्कुल चीर दिया, चलिए छोड़ दीजिए, वो बात भी छोड़ दीजिए। आपको 14 अगस्त 1947, जिस दिन आपको अपनी आजादी मिली, आपको एक नया चैप्टर शुरू करने का मौका मिला, सबसे पहले आपने क्या किया? सबसे पहले आपने अपनी गवर्नमेंट के साथ और अपनी आर्मी के साथ लॉन्च किया ऑपरेशन गुलमर्ग। ऑपरेशन गुलमर्ग वॉज द प्रीकर्सर टू दिस फर्स्ट वॉर ऑफ कश्मीर। इसको समझना बहुत जरूरी है कि ऑपरेशन गुलमर्ग था क्या। ऑपरेशन गुलमर्ग एक कश्मीर में, जो वादी को जानते हैं, गुलमर्ग एक बहुत ब्यूटीफुल मेडो इन कश्मीर, बहुत खूबसूरत स्की स्लोप्स हैं वहाँ पे। कश्मीर हिंदुस्तान की सबसे अच्छी और मेरा ख्याल है दुनिया की सबसे बेहतरीन स्की स्लोप्स हैं वहाँ पे। तो वहाँ का उस जगह का नाम है गुलमर्ग। उस जगह के नाम से ऑपरेशन गुलमर्ग अगस्त में ही लॉन्च कर दिया गया, जबकि आप पार्टीशन के जो जुल्म है वो किसी से छिपे नहीं है। तो अगर आपको सबसे पहले आपको अपनी कंट्री को संभालना चाहिए जो इस सबसे गुजरी है, आपने वो नहीं किया। आपने ये नहीं किया कि इस अपने जो मुल्क है उसको मैं पैरों पे खड़ा करूं, ये आपने नहीं किया। आपका सबसे पहला काम था कि आप एक ऑपरेशन गुलमर्ग लॉन्च करें। ऑपरेशन गुलमर्ग का नाम मतलब ये था कि कश्मीर को दो तरह से हथियाया जाए। तो ये लोग जो सारे कहते हैं कि अरे कश्मीर को तो बिना किसी पाकिस्तान हैज अ लेजिटिमेट राइट टू कश्मीर, आई वॉन्ट टू टेल ऑल दोज पीपल दैट पाकिस्तान ने जिस इंसान जिन लोगों ने उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि कश्मीर के लोगों का क्या हाल होगा। और मैं डॉक्टर साहब ये भी आपको बता दूं कि ये कोई मुसलमान और हिंदू भी उन्होंने उस वक्त नहीं सोचे। हिंदू और सिख तो उनका तो कत्लोगारत, उनका तो जेनोसाइड हुआ, वो मैं बताऊंगी आपको। लेकिन मुसलमान भी जो उनको बचा रहे थे उनको भी उन्होंने नहीं छोड़ा, मुसलमानों को भी नहीं छोड़ा उन्होंने वहां पर। ये बात भी हिस्ट्री में दर्ज है। तो जब वहां पे ये सबसे पहले उन्होंने कहा कि पर ऑपरेशन गुलमर्ग कि महाराजा हरि सिंह, जिन्होंने स्टैंड स्टिल अरेंजमेंट किया था, जो ना हिंदुस्तान के साथ उस वक्त थे ना पाकिस्तान के साथ उस वक्त थे, डोमिनियंस जो बने थे, उन्होंने कहा था मुझे वक्त चाहिए, वक्त चाहिए। लेकिन इसी वजह स्टैंड स्टिल अरेंजमेंट उन्होंने साइन किया, बट पाकिस्तान डिड नॉट ऑनर दैट स्टैंड स्टिल अरेंजमेंट। इवन ऑन राइट इन ऑगस्ट इन्होंने महाराजा हरि सिंह के पूरा जो उनका प्रिंसली स्टेट था उसमें गड़बड़ करनी शुरू कर दी। जगह जगह पे इन्होंने उनके छोटे छोटे झगड़े, छोटी छोटी अपराइजिंग्स, लोकल अपराइजिंग्स सब उन्होंने शुरू की, जिससे जिसकी वजह से जे एंड के का स्टेट फोर्स इतना ज्यादा नहीं था। जे एंड के स्टेट फोर्स हर जगह बिखरा हुआ था इस वजह से कि उन्होंने छोटी छोटी घुटपैठ, छोटी छोटी इन्फिल्ट्रेशन की वजह से छोटी छोटी लड़ाइयां हर जगह शुरू की। और ये कॉन्स्पिरेसी अब रिटन है, ये सब पता है कि ये कॉन्स्पिरेसी के तहत हुआ, जिसको कहते हैं कि इट वॉज अ लोकल अपराइजिंग अगेंस्ट द किंग। इट वॉजंट, इट वॉज समथिंग दैट दे हैड शुरू से ही उन्होंने किया था। तो जब वो अपराइजिंग हर जगह हुई तो जे एंड के स्टेट फोर्स तो छोटा सा था, वो हर जगह वहां पे फैला हुआ था। इतनी देर में उन्होंने लियाकत अली खान और NFWP के, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने एक प्लान बनाया था कि जब इनकी सारी फौज, जो स्टेट की फौज थी, इंडिया की फौज तो वहां पे आ नहीं सकती थी क्योंकि इंडिया थी नहीं वहां पे अभी तक, तो इन सबको अब जब तितर बितर कर दें तो फिर हम एक थ्री प्रोंग्ड अटैक करें। थ्री प्रोंग्ड अटैक में एक
कश्मीर का रास्ता था जहाँ पे ये सारे जो ट्राइबल्स थे वो जा रहे थे, जो ट्राइबल्स को हायर किया गया, मैं आपको बताऊं, एंड दे वर क्लियरली टोल्ड कि ये आपका धार्मिक काम है, दिस इज अ रिलीजियस रीजन दैट यू आर गोइंग देयर, क्योंकि इनफिडल्स से, काफिरों से कश्मीर को बचाना है। ये उनको बता दिया गया। ये किसने बताया? ये पाकिस्तान की आर्मी ने बताया गया था, क्योंकि तभी तो उनको फिर इस काम में लगाया जाता। मुजाहिदीन, तो मैं तो हमेशा कहती हूँ कश्मीर का जहाद हैज़ टू बी सीन इन टू पॉइंट टू पार्ट्स। 2.0 तो हमने 1989 में देखा, लेकिन कश्मीर जहाद 1.0 स्टार्टेड इन 1947 इटसेल्फ, इन अगस्त 1947 इटसेल्फ। तभी पाकिस्तान ने सोचा था कि हम ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं इनको भेज के इनको पूरा मदद देके, इनके साथ एक एक लश्कर जो थी, एक एक लश्कर के साथ एक एक आर्मी ऑफिसर होता था, दो दो आर्मी, जितनी बड़ी लश्कर थी उतने ही आर्मी ऑफिसर्स थे, लेकिन वो सारे लश्कर के ही यूनिफॉर्म में थे, और उनको सारा वहाँ का जो रीइन्फोर्समेंट्स थी, जो उनका जो उस वक्त के हिसाब से बड़े सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट दी गई, और उन्हें कहा गया कि तीन रास्तों से आप जाइए, आप कश्मीर का रास्ता देख लीजिए पहले, उसके बाद आप जम्मू के रास्ते, पुंछ के रास्ते से चले जाइए, और फिर आप गिलगित से लद्दाख के रास्ते के चले जाइए, ये उनको कहा गया था। जब आप आगे चले जाएंगे, सबसे पहले आपको ये करना है कि 18 अक्टूबर एबोटाबाद में ये सारे लश्कर के टुकड़े मिले, वहां पे इनको पाकिस्तान की आर्मी ने इनको एड्रेस किया और उनको बोला कि आपका मकसद ये होना चाहिए कि जो श्रीनगर है, कश्मीर की कैपिटल, उसको 5 दिन में आपको फतेह करना है, कि अगर आपने श्रीनगर को, इफ श्रीनगर फॉल्स, कश्मीर फॉल्स, तो अगर आप वहां पे पहुंच जाए 5 दिन में, आपको उनको बोल दिया गया था 26 तक आप पहुंच, 20 को निकलेंगे यहां से, 20 21 को, 26 को वहां पे पहुंचेंगे, और वहां से आप कश्मीर को हथिया लेंगे, क्योंकि प्रोटेक्ट करने वाला कोई है नहीं। ये जब वहां पे गए, सबसे पहले मुजफ्फराबाद पहुंचे, जहां पे आज के दिन जो हुआ, मुजफ्फराबाद फेल विदाउट एनी यू नो, वहां पे थे ही नहीं लोग, इट इमीडिएटली फेल। फिर उरी पहुंचे, उरी में उन लोगों ने इतनी देर में इंडिया के बहुत बड़े वॉर हीरो, जिनको मैं सलाम करती हूँ, जिन्होंने एक दिन एक ब्रिज वहां पे हटा दिया, जला दिया, नेस्त नाबूद कर दिया वो ब्रिज, उसकी वजह से ये लश्कर वहां पे एक दिन रुकी, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, उनकी वजह से रुकी, और इंडिया को टाइम मिला, महाराजा को थोड़ा टाइम मिला वहां से इंडिया के साथ बात करने का। इतनी देर में ये लश्कर बारामुल्ला पहुंची, 2 दिन लेट। बारामुल्ला में उनको एक दिन रहना था, 3 दिन रहे। बारामुल्ला कश्मीर से करीब 60 किलोमीटर दूर, श्रीनगर से करीब 60 किलोमीटर दूर है, एंड इट्स अ वेरी प्रॉस्परस, इट वाज अ वेरी प्रॉस्परस डिस्ट्रिक्ट। वहाँ पे बिजनेसमैन रहते थे, और लोग हर तरह के लोग थे, हिंदू थे, मुसलमान थे, क्रिश्चियन थे, वहाँ पे एक सेंट जोसेफ स्कूल बड़ा अच्छा माना जाता था, वो थे क्रिश्चियंस थे, हर तरह के लोग थे, बड़े प्रॉस्परस लोग थे। ये लश्कर जब बारामूला पहुंची, तो इनको तो पहले ही कहा गया था कि आप जो काफिरों का पैसा होता है, जो काफिरों का लूट होता है, वो तो अच्छा है, उसको आप ले सकते हैं, उसमें कोई वो नहीं है। तो जब उन्होंने वहां पे लूट पाट करनी शुरू की, बाय ऑल एस्टिमेट्स, एंड आई एम सेइंग द कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स, 11,000 पीपल डाइड, 11,000 पीपल डाइड इन दैट स्मॉल डिस्ट्रिक्ट एक दिन में। वहाँ की औरतें, जिनका अभी तक पूरी तरह हमारी हिस्ट्री में, हमारे हिस्टोरियंस ने किसी तरह पूरा अंदाज़ा ही नहीं किया, पर फिर भी कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स के हिसाब से 1800 लड़कियों को उठाया, हिंदू लड़कियों को, सिख लड़कियों को उठाया गया, और उनके उनको एबडक्ट किया गया, रेप किया गया। और ये कहानियाँ वहाँ की औरतें अभी भी बोलती हैं, कुछ औरतें अभी भी जिंदा हैं और जो बताती हैं, उनकी उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा कि क्या हुआ वहाँ पर। बारामुला का जेनोसाइड मुझे लगता नहीं किसी को भूलना चाहिए। मैं आपको बताऊं कि बारामुला में जो हुआ, जो कश्मीर का मुसलमान भी था, वो भी डर गया था पाकिस्तान से उस वक्त। उसने भी ये सोच लिया था कि शायद ये क्या हो रहा है, क्योंकि जब आपके आंखों के सामने व्हेन यू सी इविल ऑफ सच प्रोपोर्शंस, देन
हर इंसान घबरा जाता है, आइडियोलॉजी वाइडियोलॉजी सब बाद में रह जाती है वहां पे। लेकिन जब आप इस कदर का जुल्म देखते हैं जो उन्होंने वहां पे ढाया, एक दिन वहां पे रहना था, 3 दिन वहां पे रहे, कितने सारे आई विटनेस अकाउंट्स हैं जिन्होंने कहा कि इतनी लूट जो लश्करों ने कभी देखी ही नहीं थी, वो उठा उठाकर वापस पाकिस्तान जा रहे थे, फिर आ रहे थे और ले जाने के लिए, इतनी लूट देखी। 3 दिन वहां पे रहे, 5/26 को भी वहां पे, 26 को श्रीनगर पहुंचना था, पहुंच नहीं पाए क्योंकि लूट में ही रहे। और 25 जब 26 को जब राजा को पता चला, महाराजा को पता चला कि अब तो ये यहाँ पे ये कुछ हो नहीं सकता, ही सेंट अ मैसेज टू इंडिया एंड ही सेड दैट अब इसके मेरे पास कोई चारा नहीं है। वो एक कोट है उस चिट्ठी का जो महाराजा हरि सिंह ने लिखा है, और वो कोट मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ जी, अभी। जरूर जरूर। और मतलब वो दिल दहला देने वाला कोट है। उन्होंने कहा था कि मेरे पास दो ही रास्ते हैं, एक रास्ता मेरे पास है कि मैं अपने सब कुछ छोड़ दूं और आपके साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन करूं, क्योंकि इंडिया लीगली कुड नॉट हैव प्रोटेक्टेड कश्मीर एट दैट पॉइंट। इट देर हैड टू बी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ओनली देन कुड इंडियन फोर्सेस गो एंड प्रोटेक्ट पीपल ऑफ कश्मीर, एंड दैट इज व्हाई दे नीडेड अ लीगल फ्रेमवर्क, एंड दैट इज व्हाई अ फ्रेमवर्क वॉज साइंड एंड इमीडिएटली 26 को शाम को साइन किया, 27 को सुबह 5 बजे फोर्सेज वर डिस्पैच। और उसके बाद तो हिस्ट्री नोज व्हाट हैपेंड, बारामूला को छुड़ाया गया, उरी को छुड़ा दिया गया, पुंछ को छुड़ा दिया गया। पर उस लेटर का एक कोट है जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहती हूं, जो हरि जी सिंह, महाराजा हरि सिंह ने लिखा। ही सेड द अदर ऑल्टरनेटिव इज टू लीव माई स्टेट एंड माई पीपल टू डायबॉलिकल किलर्स एंड बीस। ऑन द बेसिस ऑफ दिस नो सिविलाइज्ड गवर्नमेंट कैन एग्जिस्ट और बी मेंटेन्ड। The alternative I will never allow to happen as long as I am the ruler of the state and I have a life to defend my country. ये लोग जो बात करते हैं अभी, उनको ये चीजें वो कभी आपको नहीं बताएंगे। यानी जो शुरुआत थी 22 अक्टूबर 1947 को इस मसले की, और जो रियासत जम्मू कश्मीर थी जिसके वाली उस वक्त महाराजा हरि सिंह थे, उन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है इतनी ब्रूटैलिटीज के फौरन बाद साइन किया भारत के साथ, ये बेसिस है इस मसले की। इसको भूल गए सारे के सारे, हिस्ट्री से प्लेबिसाइड की बात हो रही है, सेपरेशन की बात हो रही है, इंडिपेंडेंस की बात हो रही है, भाई ये बातें कब की आई? मैं अभी रिसेंटली इंटरव्यू सुन रहा था मिस्टर फारूक अब्दुल्ला का, तो वो ये कह रहे थे कि हमें बड़ा दुख है कि हम पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं गए थे। तो मैं सोचने लगा कि हु द हेल ही इज़। वो डिसीजन तो महाराजा के पास था, शेख अब्दुल्ला के पास तो नहीं था ना, वो तो एक पॉलिटिशियन थे। तो जब महाराजा ने डिसीजन किया अपने ही लोगों को मरते देखकर, उनका जीनोसाइड होते देखकर, भारत के साथ जुड़े, भारत का अटूट अंग बने, और इस सारी सिचुएशन को अब दुनिया में किस तरह गलत तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है। तो मैं आपको ये बताऊं कि आज तक कोई क्यों नहीं बारामुला जेनोसाइड की बात करता? आपने सुना है कभी किसी को बोले बोलते हुए कि बारामुला के वो 3 दिन कैसे कटे लोगों के? वो क्यों नहीं कोई बात करता? मैं चाहती हूं कि ये जो दुनिया के सारे ह्यूमन राइट्स के आका बने हुए हैं, वो बारामुला की बात करें, जहां से वो शुरुआत होती मुजफ्फराबाद की है। बात करें कि वहां पे हुआ क्या है, बाद में आप कश्मीर तक पहुंचे और बाद में आप पहुंचे वहां पे क्या हुआ, मसला क्या है। पहले मुझे ये बताएं कि 25 अक्टूबर 1947 को बारामूला में जो पाकिस्तान आर्मी ने किया, उसका हिसाब कौन देगा? उसकी जस्टिस कब होगी? कब होगा इसका हिसाब? और ये मैं इंडियन गवर्नमेंट से भी पूछना चाहती हूँ कि कब आप इसका हिसाब लेंगे, कब आप इंटरनेशनल फोरम्स पे जाएंगे, कब आप इंटरनेशनल जस्टिस जहां पे आपको धकेला जाता है हर जगह, कब आप वहां पे कहेंगे कि हमारे वहां पे जो लोग थे, वहां पे 11,000 लोग मारे गए, कोई मामूली बात नहीं है।
उस वक्त पॉपुलेशन क्या थी, और 11,000 लोग मरने कोई मामूली बात नहीं है इन दिन में, और वहां पे कितनी सारी औरतों के साथ क्रिश्चियन नंस जो वहां पे स्कूल चल रहा था, वहां पे चलता अभी भी होगा शायद सेंट जोसेफ्स, वहां पे उन्होंने उन क्रिश्चियन नंस के साथ क्या बुरा सलूक किया। तो ये ह्यूमन राइट्स के उसमें क्यों नहीं आता कभी कि सबसे पहले ह्यूमन राइट्स वायलेशन कश्मीर में किसने किया और क्यों किया, और सबसे पहले इसको एक जिहाद किसने बनाया कि इसको एक रिलीजियस वॉर का जामा किसने पहनाया, इससे पहले कि आप अपने मुल्क को देखें, सबसे पहले तो आपने यही काम किया कि आप पाकिस्तान को, आप कश्मीर को हथिया लें, अपने लोगों को जिनको आपने, चलिए एक नई कंट्री बनानी थी, पर आपने उन लोगों के लिए किया क्या? सबसे पहले तो आप पहले दिन से ही तो आप कश्मीर से के को हथियाने में लग गए, और यही सारी आपकी हिस्ट्री रही, यही सारा आपका पाकिस्तान की आर्मी का रेज़ॉन डेत्र जिसको कहते हैं द रीजन टू एग्जिस्ट रहा कि आप कश्मीर को हथिया दें, और तो आपका कुछ कोई जंग तो आपने जीती नहीं कभी कहीं कहीं। मैं अक्सर देखती हूँ पाकिस्तान के जनरल्स को इतने बड़े बड़े तमगे लगाए हुए होते हैं, तो मैं सोचती हूँ कौन सी वॉर्स में जीत के ये तमगे मिले हैं इनको, कोई जीते तो है नहीं। वो पाकिस्तान की आवाम को जीते रहते हैं ना, उन पे ही हमला करके अपनी सक्सेस साबित करते रहते हैं। आपने बड़ी अहम बात की, आपने कहा कि इतना बड़ा जीनोसाइड उसका हिस्ट्री में, ह्यूमन हिस्ट्री में जिक्र ही नहीं है, और हम भी तो रिस्पॉन्सिबल हैं यानी भारतीय कि हमने इस बात को इंटरनेशनल फोरम्स में नहीं उठाया। हम ह्यूमन राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशन आज के दिन नज़र आती हैं वो हमें पता चल चुका है कि अनफॉर्चुनेटली बाइस्ट हो गई इवन यूएनओ समेत, तो हम क्या अब रोल अदा कर सकते हैं, ख़ासतौर पर जब हमारा डायस्पोरा इन मुल्कों में रहता है, आप जैसे जर्नलिस्ट हैं, हमारे जैसे जर्नलिस्ट हैं, कैसे इस मसले को उठाएं और इस बात को कैसे इंटरनेशनल फोरम्स पर लेकर जाएं? डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है, आप कैसे गाइड करती हैं? देखिए, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने चैनल्स के बारे थ्रू, आप लिखते रहते हैं, बात करते रहते हैं, मैं लिखती रहती हूँ, मैं हर फोरम पे जहाँ पे मुझे मौका मिलता है मैं वहाँ पे लिखती रहती हूँ, सही हिस्ट्री की जानकारी देती रहती हूँ। बट इट्स नॉट इनफ, इट इज़ रियली नॉट इनफ। एक मौका मुझे मिला यहाँ पे, बहुत कम मिलता है, और शायद इन 70 सालों में एक ही मौका मिला था कि मैं कश्मीर के हिंदुओं की जो अब जिसको मैं जहाँ 2.0 कहती हूँ, जो 1989 के बाद हुआ, उसकी कहानी यहाँ पे लैंटोस कमीशन में जो ह्यूमन राइट्स पे यूएस कांग्रेस ने एक हियरिंग बुलाई थी पिछले सितंबर में, सितंबर 2019 में, कुछ महीने ही पैर हुए हैं, अब साल होने लगेगा, तो वहाँ पे तो करीब 6 लोग थे जो प्रो पाकिस्तान वहाँ पे नैरेटिव दे रहे थे, तो एक मैं ही एक वाहिद आवाज़ थी जिन्होंने वहाँ पे, जिसने ये कहा कि हमारी भी आवाज़ कोई सुनो, हमारे साथ क्या हुआ है 1989-1990 में, हमारे साथ इंडिया में, इंडिपेंडेंट इंडिया में एक ही एक्सोडस हुआ है, इंडिपेंडेंट इंडिया में एक ही बार एक ही लोगों को अपने घरों से निकाला गया, एक ही लोगों के साथ एथनिक क्लेंजिंग हुई, और वो है कश्मीर के हिंदू, हमारी भी तो कोई बात सुने, हमारे भी तो कोई ह्यूमन राइट्स हैं। खैर, ये तो एक बार मौका मिलता है, अब इसके बाद एक दुनिया में बहुत आप इस बात को समझेंगे बड़ी अच्छी तरह से, क्योंकि आप इसी इंडस्ट्री के हैं। आई थिंक द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग हैज़ बीन द अलायंस ऑफ द लिबरल वॉइसेस एंड इस्लामिस्ट वॉइसेस। ये इन लोगों ने जो एक अलायंस बना के रखा हुआ है कि आप हर चीज़ को इस्लामोफोबिया कह देते हैं, हर चीज़ को आप बात ही नहीं कर सकते, इससे पहले कि आप मुंह भी खोलें तो आपको इस्लामोफोबिया कहा जाता है, आपकी बात आपको इन अ वे हम आप और लोग तो वी हैव ग्रोन अ थिक स्किन, अब हमें फर्क नहीं पड़ता, पर जो नए नए लोग भी आ रहे हैं उनको डराया धमकाया जा रहा जाता है, उनको गिल्ट फील करवाया जाता है कि अगर आप अपनी बात रखें तो आप में कुछ कमी है, आप में कुछ गलत है, आप पूरी तरह से यू नो इंसान का हक नहीं अदा कर रहे हैं, और यू नॉट बींग ह्यूमेन इनफ। तो
हर कहानी के दो हिस्से होते हैं ये तो हमें पता ही है, पर एक ही हिस्सा एक ही बताया जाता है। आई थिंक मेरे लिए एक तो हम जो आप और हम जो कर ही रहे हैं, लिखते हैं प्रोग्राम्स के थ्रू, आप कर रहे हैं वो तो है ही, बट मोर देन दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट नाउ द गवर्नमेंट्स, यू नो, वी हैव टू स्टार्ट टॉकिंग टू द गवर्नमेंट्स ऑफ बोथ यूनाइटेड स्टेट्स, आप कैनेडा में हैं, कैनेडा एंड यू नो ऑल द लिबरल डेमोक्रेसीज, वहाँ पे हमें समहाउ वी हैव टू स्टार्ट स्पीकिंग टू द गवर्नमेंट्स। क्योंकि अब देखिए इंडिया में बड़ी मुश्किल के बाद अब ये 370 हटा है, तो लोगों को लगा है कि 370 वहाँ पे था, पर अभी भी आज भी अगर आप इंडिया का अखबार देखें तो बहुत कम आपको ये ब्लैक डे के बारे में पता नहीं चलेगा, कोई बात नहीं करता, वो भी बात नहीं करते। और इवन जो कुछ हुआ है 370 35A एब्रोगेट किया गया, इंडिया का अपना प्रेस भी उसके खिलाफ आज तक बोल रहा है, ये जाने बगैर कि कितनी बड़ी जुल्म की दास्तानें जुड़ी हुई थी। और आपने कहा कि हम जो इन मुल्कों में रह रहे हैं हमें अपनी गवर्नमेंटों से बात करनी चाहिए, वो मेरा ख्याल है किसी हद तक शुरू हो चुकी है। और फिर आपने चीज़ का भी तस्करा किया कि किस तरह इस्लामिस्टों का और लेफ्टिस्टों का एक अलायंस बना हुआ, वो तो देखिए एक अब रियलिटी है, हमें इस रियलिटी में अपना अलायंस भी तो क्रिएट करना है रैशनल लोगों के साथ। मैं ये राइट लेफ्ट की बहस में नहीं पड़ता, मैं भी रैशनैलिटी और इरेशनैलिटी की जंग है। जी, बिल्कुल, ठीक है, जो रैशनल सोच रखने वाले हैं उनको भी तो अपने डायलॉग को एक्सपेंड करना होगा, हमें आपको ये काम भी तो करना होगा। ये बताइए, अब हम आखिर में दो तीन बातें और आपसे जानना चाहते हैं कि किस तरह हम इस 1947 के 22 अक्टूबर के ब्लैक डे को जोड़ें इस अच्छे कदम के साथ जो एब्रोगेट आर्टिकल 370 35A हुआ था, और किस तरह लिखित में, किस तरह हमारी डायस्पोरा की जो ऑर्गेनाइजेशंस अमेरिका कनाडा यूरोप में बैठी हुई हैं वो किस तरह बताएं गवर्नमेंट्स को, क्योंकि इनको भी तो हमारी डायस्पोरा के लोगों को भी तो समझ नहीं आती, जोश तो होता है लेकिन कैसे बात को करना है कि ये आफ्टर ऑल बात कैसे करें, बताएं कि क्यों ये जरूरी था। हमेशा सब लोगों को पता होना चाहिए ऑपरेशन गुलमर्ग से शुरू, ठीक, कश्मीर का मसला उससे पहले था नहीं। कश्मीर का मसला जो इतना पेचीदा मसला अब हो गया है वो ऑपरेशन गुलमर्ग में से स्टार्ट हुआ, जो अगस्त 1947 में पाकिस्तान में एक कॉन्स्पिरेसी थी वो रचा गया, और फिर जो अटैक सबसे पहले ऑन अक्टूबर 22 कश्मीर पे पाकिस्तान ने किया कबायलियों के तरह से, और वो जो मैं तो आर्मी अटैक ही कहता, आर्मी अटैक था जी वो, तो आर्मी अटैक ही है, आर्मी इन्वेजन है, वॉर है। जब तक आप इस वॉर की बात ना करें और कहें कि यही जड़ है, यही बीज है, यहीं से शुरू हुआ, तब तक आप कश्मीर के मसले के बारे में आप नहीं बात कर सकते, और आप कह नहीं सकते कि एज अ मैं हमेशा जोक करती हूं कि जितने कश्मीर के बाशिंदे नहीं है उससे ज्यादा एक्सपर्ट्स हैं कश्मीर के। तो ऐसा भी कई बार, क्योंकि ये भी तो एक इंडस्ट्री बन जाती है ना, जब बहुत देर तक कॉन्फ्लिक्ट रहता है कहीं पे, तो वो भी एक कॉन्फ्लिक्ट पे एक इंडस्ट्री बन जाती है। तो बहुत सारे लोग अब इसके एक्सपर्ट्स हैं, तो उन एक्सपर्ट्स को हमने, वी हैव टू पुट them in the corner and we have to tell them the history does not begin where you tell us it begins. The history begins in August 1947 in Abbottabad in Pakistan. You need to tell the world ki wahan pe kya hua. Us din पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की आर्मी ने जब उन लश्करों को इकट्ठा किया सबसे और उनसे बात की और उनको क्या कहा, वो अब डॉक्यूमेंटेड है, उसको पब्लिक बनाइए, वो बात करिए, वो बताइए, और फिर कश्मीर के लोगों के सामने भी रखिए इस बात को और बताइए कि पाकिस्तान के इरादे क्या थे, क्या था। अगर इंडियन आर्मी वहां पे टाइम से नहीं पहुंच पाती 27 अक्टूबर को सुबह वहां पे, क्या बाय द वे उन्होंने जिस जगह को कहते हैं ये हमारी शाह रग है, उस जगह का तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी काट दी थी मरी में, बिकॉज अगर आपको याद हो बिफोर 1947 पाकिस्तान से ज्यादा रास्ता था मुजफ्फराबाद से ही कश्मीर का रास्ता था, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी काट दी थी, खाना पीना वो जो एक वहीं से आता था, सप्लाईज आती थी वो काट दी थी, कैसा इशारा है ये? आपको उन लोगों से कोई मतलब नहीं है,
आपको इट इज एन ईगो इश्यू, क्योंकि जिना की टू नेशन थ्योरी डिफीट हो जाती है अगर आप कश्मीर हिंदुस्तान के साथ रहता है, कश्मीर भारत का हिस्सा रहता है, जिना की टू नेशन थ्योरी डिफीट हो जाती है, तो वो तो आप इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो टू नेशन थ्योरी तो पहले दिन से डिफीट हुई, और सबसे बड़ी डिफीट तो 1971 में मिली जब अपनी ही नेशन के लोगों ने कहा कि हमें आपके साथ नहीं रहना। जी वो तो एक एक स्टेप पर हमें डिफीट होती नज़र आती है, क्योंकि टू नेशन थ्योरी कभी रिलीजियस लाइंस पे तो नहीं होती, वो तो वाकई नेशन लाइंस पे होती है। मैं और आप बातचीत कर रहे हैं, मेरा मुस्लिम फेथ है, आपका हिंदू धर्म है, मैं ख़ुद को अपने आप को आई एम हिंदू बॉर्न इन मुस्लिम फेथ कहता हूँ, तो ये हमारी नेशन है। जी तो ये बात तो खैर समझ नहीं आती। आखिर में हमारे व्यूअर्स को बताइए कि जो आपकी और मेरी बातचीत अभी हो रही है, इसमें से कौन सी ऐसी बात जो आप महसूस करती हैं मिस है और इसको हमें बयान करना चाहिए, इस पर जोर देना चाहिए। मैंने अपना सारा करियर, मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं इसकी चश्मदीद गवाह भी हूं, एक आई विटनेस हूं कश्मीर में जो 1989-90 में जो हुआ हमारा एथनिक क्लेंजिंग, तो मैंने इसके बारे में बहुत लिखा है, मेरा सारा काम ही उसके बारे में है। पर मैं चाहती हूँ कि अब बहुत कम लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने बारामूला मैसेकर देखा, जिन्होंने बारामूला जेनोसाइड देखा। ये मेरे ग्रैंडफादर ग्रैंड पेरेंट्स की जनरेशन के लोग हैं, अब वो लोग धीरे 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 ख़त्म होते जा रहे हैं। मैं आपके व्यूअर्स के थ्रू मैं इन सब लोगों को कहना चाहती हूँ कि देखिए, अब जिन लोगों की वहाँ पर जाने गई, जिन औरतों की वहाँ पे, जिन जो हाल हुआ वहाँ पे, मतलब एक मेडिवल एरा भी नहीं, एक 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 इतना जुल्म हुआ जो औरतों को, कितनी सारी औरतें तो फिर मिली ही नहीं, उन घर वालों को मिली ही नहीं, पता ही नहीं चला उनका हुआ क्या। मैं चाहती हूँ कि उन तीन दोज थ्री डेज इन बारामूला लोग इस चीज़ को पढ़ें, और अपने बहुत सारे लोग अब हैं जिन्होंने इसके बारे में इसको डॉक्यूमेंट किया है, आप इसको पढ़ें, आई विटनेसेस अभी भी हैं, उनकी बातें सुनिए, और जहां हो सके वहां पे इस बात को, इस बात का जिक्र कीजिए ताकि उन विक्टिम्स को जस्टिस मिले। ये मेरे दिल पे बहुत एक पत्थर की तरह बात है कि हम लोग उन लोगों को हम जस्टिस नहीं दिलवा पाए, वो तीन दिन बारामूला के जो लूटपाट हुई और जो आर्सन हुआ, और जो किसी भी सिविलाइज्ड कंट्री में नहीं होना चाहिए, किसी सिविलाइज्ड नेशन में कभी नहीं होना चाहिए, जो वो हुआ, उस जेनोसाइड की कोई बात करे। दोस थ्री डेज इन बारामूला आर वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं भी अपनी ख्वाहिश आपके साथ शामिल करता हूँ। मेरा जी चाहता है कि उस जुल्म, जब उस जुल्म की इब्तदा होती है, उसकी एक कोई भरपूर किस्म की अंग्रेज़ी में फिल्म बने। बदकिस्मती से मैं बॉलीवुड से तो एक्सपेक्ट नहीं करता, वो जब भी कश्मीर पर कोई फिल्में बनाते हैं तो दो चार गाने डाल के, रंग रंग दिखा के उस फिल्म का सत्यानाश कर देते हैं। किसी सीरियस प्रोड्यूसर का ये काम है कि वो इसको, जैसे हमने सेकंड वर्ल्ड वॉर की जो ब्रूटैलिटीज़ हैं, एट्रॉसिटीज़ हैं, उनके हवाले से इतनी शानदार वेस्ट में बनी हुई फिल्में देखी, लोग एजुकेट होते हैं, काश हमारे यहाँ भी कोई ऐसे फिल्म डायरेक्टर, फिल्म प्रोड्यूसर पैदा हों जो इमोशनलिज्म को छोड़ के, वो गानों को छोड़ के हमें रियल सूरत हाल, मुझे और आपको ना दिखाएं, पूरी दुनिया को बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपको जहमत देते रहेंगे, और हमारे लिए ऑनर की बात है कि आज आपने वक्त निकाला और इस इंतहाई बुरे ब्लैक डे को हमने याद किया। सिर्फ मकसद आपका और मेरा इस पर डिस्कशन इसलिए करना मकसूद था कि हम अपने व्यूअर्स को बताना चाहते थे कि वो दिन जिससे इस सारी बुराई की इब्तदा हुई, हमने उसको याद ही नहीं रखा। मैं एक बार फिर आपका ममनून हूँ। मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ आखिर में कि आप सुनैंदा जी की या मेरी बात पे अगर ज़्यादा यकीन ना भी करें, तो कम से कम असगर ख़ान पाकिस्तान के रिटायर्ड जनरल का एक क्लिप ही देख लें, जो मैं आखिर में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आज की गुफ्तगू मेरे साथ और मैं सुनैंदा वशिष्ठ जी के साथ देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। बसर की जंग में हिंदुस्तान की फ़ौज ने हमला नहीं किया, हमने पहले, मैं उस वक्त सरबराह नहीं था एयरफोर्स का, मैं कोई तीन चार हफ्ते पहले
रिटायर हो चुका था, मुझे कोई इल्म नहीं था कि पाकिस्तान का कोई प्लान है कुछ करने का। जब मैं रिटायर हुआ तो अखबारों में पढ़ा कि अब हमने टैंक भेजे हैं जम्मू और अखनूर के पीछे ऑक्यूपाइड कश्मीर में, तो मैंने समझा कर ये किया तो इंडिया रिएक्ट करेगा ज़ाहिर है। और मैंने इंटरव्यू मांगा यूब खान से के साथ, और 3 सितंबर को मैं उनसे मिला मुलाकात। मैंने कहा आपने फैसला कर लिया हिंदुस्तान के साथ? उसने कहा कि उनने कहा कि किसने कहा आप तुम्हें? मैंने कहा मुझे किसी ने नहीं कहा, मगर आपने टैंक भेजे हैं, आमद भेजा है इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में जम्मू के पीछे अखनूर के पीछे, इंडिया रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करेगा पंजाब में। 71 में कौन जिम्मेदार था? सर वो तो हर शख्स जानता, हम जिम्मेदार थे। इलेक्शन हुआ था 70 में, शफाफ इलेक्शन था, बंगाली जीत गए थे इलेक्शन, उनको शौक था हुकूमत करने का, और पाकिस्तान बनने के बाद उनको मौका नहीं मिलेगा मिला था, अक्सरियत उनकी थी, वो चाहते थे हुकूमत बनाए, हमने नहीं बनाने दी, फौजी कार्रवाई की। जो हमारा खातब, हमारा जो मुसलसल ये रवैया है, अगर आपकी बात दुरुस्त है, 65 का भी, 71 का भी, फिर कारगिल में भी इसी हवाले से बात हुई, हम कितना बड़ा मुल्क हैं कि जो हम ये एडवेंचर्स करते हैं? हम अहमकाना सोचती है तीनों, जो हमने हर जंग हमने शुरू की, हिंदुस्तान ने पैर नहीं की थी, हकीकत यह है ना, जब 47 में पाकिस्तान बना तो उस वक्त भी हमने कश्मीर में लोग भेजे थे पहली, और जो वॉल्टियर थे, और हमारी सोच थी कि हम फतह कर लें कश्मीर को। वहाँ जब गए तो कबायलियों ने लूट मार शुरू कर दी, जब वैली में पहुँचे ट्रकें भर के वापस आ गए, हम श्रीनगर कैप्चर नहीं कर सके। महाराजा ने जो उस वक्त तक उसने इंडिया को एक्सीड नहीं किया था, उसके बाद उसने जम्मू में जाके काफ़ी अर्से के बाद एक्सीड कर दिया इंदौर से, वो भी हमने अहमकाना तरीके से उसको शुरू किया। 65 की जंग हमने शुरू की, 70 की जंग हमने शुरू की, यानी पल्ले दर्जे की हमाकत थी। Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.